हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये हमारी मुंडन पार्टी का सेकेंड राउंड है, सेकेंड पार्ट है। और यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने खाने पर ख़त्म की थी कि हम लोग खाना खाने जा रहे थे, फर्स्ट पार्ट में आप लोग जाकर के देखिएगा, बहुत ही इंजॉयफुल पार्ट है। तो हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए आ चुके हैं और देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग मिल करके। और शाम हो गई है लगभग मम्मी खा रही है और चिंकू खा रही है, रिंकू खा रही है, बिट्टू खा रही है। जैसा कि आप लोग हमेशा पूछते थे कि आपकी चौथे नंबर की बहन कौन है, तो वही है जो साड़ी, ऑरेंज साड़ी पहन करके रखी हुई है, वो मेरी चौथे नंबर की बहन है। और देखिए हम चारों पांचों माँ बेटी मिल करके खाना खा रहे हैं। और सच में मतलब परिवार के साथ में खाने में जो मज़ा है, ये मेरे चाचा का बेटा है और ये बहुत ज़्यादा मजाक करता है, देखिए कैसे कर रहा है। और ये मुझसे बड़ी वाली है, आप लोगों ने देखी ही है। और ये मौसी वगैरह, बुआ वगैरह सब लोग खाना खा रहे हैं, अपना अपना जुटे हुए हैं सब। ये पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जिन जिन के पास वीडियो जाता है और जो जो लोग हम लोगों को देखते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं कि हम लोगों ने देखो इस तरीके से खाना खाया था और मैं इस तरीके से खा रहा था और देखो वीडियो बना के डल गई। और बाद में अगर कोई बोले ना कि मैंने खाना नहीं खाया यार, मज़ा नहीं आया खाने में, तो ये वाला वीडियो दिखा दो कि भैया ये वाला वीडियो देखो कि कितना खाना तुमने खाया था। और रियली में मेरी फैमिली बहुत ही इंजॉयफुल है और तीनों बच्चों का मुंडन वगैरह सब हो गया है, भगवान उनको खुश रखे, हमेशा खुश रहें वो। और ये मेरे पापा से बड़े वाले भाई हैं, मेरे पापा चार भाई हैं, सबसे बड़े वाले, फिर दूसरे नंबर के जिनके यहाँ ये कार्यक्रम है वो हैं, वो तो अब हमारे साथ में नहीं हैं, वो मतलब उनकी पहले ही डेथ हो गई थी, वो हमें छोड़ कर के चले गए पहले ही। और आज अगर वो हम लोगों को देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे, और मतलब पुलिस में हैं वो, और बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आज मेरा परिवार देखो पूरा इकट्ठा हो गया है। और उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे, सबसे ज़्यादा अच्छे थे वो चारों भाइयों में। और मतलब वो पहले ही हम लोगों को छोड़ करके चले गए, और इस बात का हमेशा खेद रहता है, हमेशा दुख रहता है सभी को कि वो आज होते तो कितने खुश होते अपने तीन तीन नाती पोतों को देख करके कि देखो मेरा परिवार भरपूर गया है। लेकिन वो जहाँ भी हों खुश हों और भगवान उनको भी खुश रखे और हमें आशीर्वाद देते रहें कि इसी तरीके से सभी लोगों को बुलाते रहें, हम उनका आदर सम्मान करते रहें इसी तरीके से और इन्जॉय करते रहें। तो देखिए खाना दिखा रहे हैं इधर, और खाना आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो में नहीं देखा होगा तो सेकंड वीडियो में देख लीजिए, इसीलिए मैं दोबारा से दिखा रही हूँ। ये मटर पनीर की सब्ज़ी, उधर दाल चावल पुलाव, और ये देखिए मिक्स वेज बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी लगी थी, देखने में ही कितनी लाजवाब लग रही है, तो खाने का तो बात ही अलग है। और इधर पूड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि अधिकतर लोग खा चुके हैं और खाना बंद होने की कगार पे ही है, हम लोग घर वाले लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए पुलाव बना हुआ है यहाँ पर, और इस तरीके का खाना बना हुआ ना बहुत ही टेस्टी लगता है, और हम लोगों ने खूब जम के खाया था अच्छे से खाना, क्योंकि घर का काम होने के बाद में इसके बाद खाने का, सब लोग मिल करके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये आ गया देखा शाही पनीर, इसके बाद में ये रसगुल्ले, और देखिए यहाँ पर सभी लोग अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी कर लीजिए। ये देखिए ये हैं जुड़वा बच्चों की मम्मी, जिनके बच्चों का मुंडन था आज, बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है। और देखिए मैं वीडियो बनाने के लिए गई तो बोल रही है रसगुल्ला तो मैंने पहले ही खा लिया था, मेरी प्लेट में भी रसगुल्ला दिखाओ थोड़ा सा, और वो बोल रही थी बट आवाज़ इतनी ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा तो गाने की आवाज़ आ रही थी, कॉपीराइट आ जाता इसलिए मैंने गाना नहीं डाला। और चलिए आपको मिलवाती हूँ, मैं उनकी ओरिजिनल आवाज़ सुनाती हूँ आपको, और बहुत मजाकी हैं वो। ये मेरी सबसे छोटी वाली भाभी है और सबसे सुंदर भी, देखो लाल लाल बाल। और देखो खाना कितना सारा खा रही है, देखो नहीं कुछ भी नहीं है फिलहाल, देश में खा चुकी हूँ।
दो जुड़वा बच्चे हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं ना। बाय बाय। और क्या बोलते हैं वो दोनों को मैंने, और ये देखो, चलो 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 राक्षस। अरे यूट्यूब पे डाले वीडियो। ये भाभी जो है ना, सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत बच्चे हमारे इन्हीं भाभी के। भाभी का प्रोडक्शन है पूरा। ये देखो ये आ गए। ये कौन है? कनिष्का। ये देखो अभी वो परेशान हो गए हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे कपड़े वगैरह निकाल के पहने हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो ये देखो बेटी है, ये कनिष्का देखो। कौन है बेटा? बुआ। कौन दिख रहा है? बोलना बुआ, बोलना इसमें, बोलना बोलना बुआ बुआ। देखो बुआ भी बोल रही है। तो चलो मिलते हैं आगे, है ना। तो देखिए खाना तो अब हो गया है, अब है पचाने की बारी। तो खाना हो गया है, सब लोग फुल मस्ती में हैं बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए डांस चल रहा है, भाभी वगैरह दीदी वगैरह सब लोग डांस कर रही हैं। और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरीके के एंजॉय करने वाले लोग होना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए आप लोग डांस इंजॉय कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको पहले मिल पाए सबसे। और इसी तरीके से मैं अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराती रहूँगी, आप लोगों को मिलवाती रहूँगी। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। Thank you.
पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, नाइट में आए हुए थे और देखिए कैसी शक्ल हो गई है। तो मैंने आप लोगों को पार्टी इंजॉय कराया, सब कुछ कराया। चलिए देखते हैं, अब हमारी विदाई का टाइम हो गया है और अब हम लोग घर जाएंगे। तो देखते हैं अब कैसे निकलते हैं। तो चलिए तो देखिए हम सब लोग आ गए हैं घर और अब हम लोग बनाएंगे खाना। में मम्मी वगैरह, जीजा जी, दीदी सबको लेकर के घर आ गई थी क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हम लोगों ने बोला कि यहीं नहाना, आराम से रेस्ट करना, दिन भर खाना खाएंगे। तो ये पकोड़े का आटा बना रही है दीदी सब लोगों के लिए। मैं यहाँ पर दाल बना रही हूँ और ये वीडियो में इतना ही बता पाऊँगी क्योंकि मेरा मोबाइल हो रहा है डिस्चार्ज, रात भर से चार्ज नहीं किया है और मेरी आवाज़ भी देखिए कैसी हो रही है। तो हम दोनों बहनें मिल करके यहीं पर खाना बनाएंगे और रात को क्या क्या हुआ था वो सब बातें करेंगे। तो जी किस किस के घर में ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कोई भी कार्यक्रम होने के बाद में एक जगह इकट्ठा होकर के पूरा डिस्कशन होता है कि रात को क्या क्या हुआ था, किसने क्या किया और इतना ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने पूरी रात इंजॉय किया और हम लोगों की शक्ल देखिए कैसी हो गई है देखने लायक। इतना ज़्यादा थक गए थे बहुत ज़्यादा और आज मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया, सब कुछ रियल दिखाती हूँ मैं, दिखावे का कोई काम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे, बाय बाय।